आप सभी का आज के इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं उसी पॉइंट नरेंद्र के बारे में। बच्चों से बात कर रहे थे, सही है मोदी मुझसे का लगा वरना पाए। इस हम लोगों ने अब तक क्या क्या चीजें सीख ली हैं, अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाहूंगी कि हमने पहले तो टेक्निकल चीजें सीख ली थी फिंगर की, कि फिंगर में पॉइंट लगाते समय फ्रंट हो या बैक हो, दोनों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा वो एप्लीकेशन पर ज्यादा होगा, कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हमें ये बताना चाहिए था। अब मैं सोचती थी कि ये तो आता ही होगा जो कि प्रेशर के पहले से ही थेरेपिस्ट हैं, और ये मैं मुझे कहाँ पता चलता है, आपके यूट्यूब से। हर बारी एक सवाल जरूर आ जाता है कि इसे हम कैसे लगाएं और कितना लगाएं, क्या क्या करें। तो इससे संबंधित पहले मैं बात कर लेती हूँ, उसके बाद पॉइंट बता दूंगा तो आज थोड़ा सा ये हो जाएगा। सबसे पहले जो सवाल आता है, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपको पता है, जिसको नहीं पता है उसको ऐसे ही सवाल पूछते हैं, इसीलिए हमें लगा कि ये भी हमें आंसर देना चाहिए क्या, तो लगा चलो देना है तो देते। एक्यूप्रेशर में आप मैग्नेट लगाते हैं, तो एक तो मैग्नेट के बारे में क्वेरी आती है और कैसे लगाते हैं उसके बारे में क्वेरी आती है, जो अननोन है, जो कुछ भी नहीं आता। जैसे हमारे इस समय प्रेगनेंसी के केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, अनगिनत, ब्रीच बेबी वाले चल रहे हैं जिनका पेट में बच्चा उल्टा हो जाता है, और मैंने तो ऐसे ही उसको बना दिया था, देखा हाँ रिजल्ट आता है तो बना दिया बस। और वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, सोचिए 1,08,000 लोगों ने अब तक उसको देख डाला, तो उसी हिसाब से पेशेंट भी आ रहे हैं। अच्छा, फायदा नहीं होता तो आते भी नहीं, इसका मतलब फायदा भी हो रहा है। वो बकायदे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि पहले देखो बेड़ा था, हमने पॉइंट लगाया तो सीधा हो गया, तो ऐसे आ रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो पहले हमें लगता था कि ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन बाद में लगा नहीं ये परेशान हो रहे हैं। जैसे कि पेट बड़ा हो गया, तब उनको लगता है इस मैग्नेट को लगाने का कोई टेक्निक होता है क्या, कि लेट के लगाएं, बैठ के लगाएं, कैसे लगाएं, पकड़े रहना है या ऐसे करना है। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए हम कॉमन एक आपको बता देते हैं कि देखो भाई, एक्यूप्रेशर के पॉइंट का जो ड्यूरेशन है, तेरे ड्यूरेशन में बात करेंगे, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम में हम 1-1 महीने पॉइंट तो लगाएंगे नहीं, सर्दी जुकाम के पॉइंट 2 दिन 3 दिन बहुत होता है, ओवरनाइट ही आराम दे देता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है वो कितनी पुरानी है, क्या बार बार आ जाती है या क्या होता है, तो उसके हिसाब से पॉइंट आपके वैरी करते हैं। कभी कभी हमें ज्यादातर पॉइंट तो हम 12 घंटे के लिए रेकमेंड करते हैं, और उसमें भी दिन में की रात में, तो रात को लगाइए सुबह निकाल दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। फिर जैसे मैग्नेट और कलर बताया, तो लोग कहते हैं कलर के ऊपर मैग्नेट लगाना है, जबकि मैं बार बार कहती हूँ दोनों नहीं लगाना है ना। तो आप कलर का एप्लीकेशन करें तो केवल कलर का एप्लीकेशन करें, अगर आप मैग्नेट का एप्लीकेशन करें तो केवल मैग्नेट का एप्लीकेशन करें, एट अ टाइम दोनों चीजों को लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक, क्योंकि एक ही चीज के दो ऑप्शन एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेडिसिन में कर सकते हैं, या आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लगा रहे हैं और आप मेडिसिन कोई रेगुलर ले रहे हैं तो लेते रहिए, छोड़ना चाहें तो और तुरंत मत छोड़ दीजिए कि अभी हमने आपको बीपी का पॉइंट दिया और फट से आपने बीपी की मेडिसिन छोड़ दी, नुकसान हो जाएगा। हार्ट के पेशेंट हैं, आप हार्ट का ट्रीटमेंट मेरे से ले रहे हैं, मान लीजिए हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने वाले हैं या पेसमेकर वाले हैं या उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह उसके हैं, तो इमीडिएट आप सारे पॉइंट बंद करने का पूछते हैं, तो दवा बंद कर दे, बिल्कुल मत बंद करिए। फिर आपका सवाल होता है तो कैसे पता चलेगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरा कहना होता है कि आपको फायदा जरूर ही कम हुआ होगा तभी मेरे पास आ पा रहा है, तो जो दवा खा रहे हैं उसको वैसे ही खाते रहिए, पॉइंट एडिशनल हो गया, अभी केवल अकेला मेडिसिन था, अब मेडिसिन प्लस पॉइंट हो गया,
तो अब आपको आराम से चेंजेस पता चलते हैं कि हमें पहले से अब कुछ ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब आपको और अच्छा लगता जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने वहां अपना चेकअप कराएं। चाहे तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि कब जाना है, क्या जाना है, और वहां जाकर के डॉक्टर आपको कहेगा कि अब इस दवाई की आवश्यकता इतनी नहीं है, इसके डोज को अब इतना कम कर दीजिए। तो ये करिए आप, अपने मर्जी से बीपी की, हार्ट की या शुगर की दवाएं अचानक से बंद कर देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हाँ, आपने शुरू ही नहीं की है तो अलग बात है, तो ये ध्यान दीजिए। थायराइड की दवा बंद कर देते हैं, मत करिए। तो नॉर्मली हम 12 घंटे ही रिकमेंड करते हैं, कोई स्पेशल केस है, कोई ऐसा खास समय लगता है तो 12 की जगह 14-16 घंटे भी हो जाते हैं। आधे हाथ में लगाएं, मतलब एक में ही लगा लें, या दोनों में लगाएं। तो भाई जब प्रॉब्लम दोनों तरफ है, या मान लीजिए प्रॉब्लम आपको लगता है लिवर में है, लिवर राइट साइड में है, लेकिन उसका फंक्शन तो पूरी बॉडी में है ना, तो हम ज्यादातर दोनों ही हाथों में लगाते हैं। जहां एक में लगाना होता है वहां लिखते हैं कि एक में ही लगाना होता है। फिर जब मैग्नेट हम यूज करते हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं कि जैसे हमने लिखा व्हाइट मैग्नेट लगाए, तो व्हाइट स्किन में टच कर दें, जबकि सामने पिक्चर ड्रॉ है। आपको मैं स्किन शेयर करके दिखा देती हूँ कि हम कोई भी ऐसा नहीं करते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, फिर भी लोगों को हो ही जाता है शायद, तो आपको दिखाती हूँ। इस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पॉइंट दिख रहा है, एक बार मैसेज कर दें ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। कोई भी एक मैसेज कर दीजिए कि ठीक है, अब तो एक ही दिख रही होगी ना। अब यहां पर आपको पीले रंग का कुछ मैग्नेट दिख रहा है, तो ये पीला मैग्नेट लगा हुआ है। स्किन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो दिख रहा है इस समय हमें दिख रहा है येलो मैग्नेट, माने येलो मैग्नेट लगाया हमने। अगर मैं हमें बहुत सारी क्या हो गया, स्क्रीन में बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मैम। क्यों ऐसा, मेरे में तो नहीं दिख रहा। अच्छा मैं दोबारा कर देती हूँ जी मैम। अब हमें बताइएगा ठीक दिख रहा है। यस मैम, एक ही दिख रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पर येलो मैग्नेट दिख रहा है, हल्का ही दिख रहा है क्योंकि येलो थोड़ा डल होता भी है। तो ये येलो लगा हुआ दिख रहा है, माने येलो मैग्नेट ये लगा है। ठीक है, मान लीजिए हमें लगाना होता कि आप लगा लीजिए व्हाइट मैग्नेट, तो हम कैसे दिखाते? हो सकता कुछ लोगों के लिए लग रहा होगा ये बच्चों जैसा काम है, लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे हैं, ये दिखाना तो पड़ेगा हमें। तो ये हुआ हमारा दूसरा। क्या यहाँ पर सिंगल हैंड दिख रहा है? नहीं मैम, ढेर सारे हैं। क्या हो रहा है, ये ढेर सारे कहाँ से आ जाते हैं? मैं तो एक ही दिखा रही, चलो कोई बात नहीं। अब दिख रहा होगा सिंगल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट ही दिख रहा है, यानी व्हाइट ही लगा है। ठीक है, ये समझ जाइए। असार में मैं कुछ और भी चीजें आपको सिखा समझा देती हूँ यहीं से शेयर कर करके, कि पहले इसको सीख लीजिए। एक होता है आपके पास में पॉइंट का करेक्ट लोकेशन, जो हमने यहाँ टेक्निकल चीजें आपको सिखाई, अभी आपको ये सीखना चाहिए कि आखिर इसको यूज कैसे करेंगे, क्या करना है। तो सबसे पहले प्रोब उठाइए, प्रोब के माध्यम से आप उसको सर्च करिए। You have to find out first your point exactly कि ये point है कहाँ पर। तो इसके लिए हम बहुत देर से join करते हैं भाई लोग।
ये तकलीफ हो जाती है तो ज्वाइन कराने में। तो ये हमने लिया, एक सिंगल ही दिख रहा है? नहीं मैम, फिर से ढेर सारे दिख रहे हैं। क्यों भाई? बहुत सारी फाइल्स खोलनी पड़ रही होता है, शायद मैं बंद करूं। प्रोब उठाइए और प्रोब से पहले तो आप अपना एक सिंगल कोई सा भी जो भी मैग्नेट लगानी। ये प्रोब है, दिख रहा है आपको प्रोब? नहीं मैम, वापस हाथ है। अरे क्यों भाई? मैम जब दोबारा करती हैं तब एक ही दिखता है, लेकिन पहले में ढेर सारे दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं? नहीं अभी भी वही हाथ है। बताओ, मैं कुछ और दिखा रही हूँ, दिख कुछ और रहा है। चलिए कोई नहीं, यस मैम एक ही है। अब ये एक हाथ दिखा, इसमें आपको दिख रहा है एक टेप पर येलो येलो चिपका हुआ है। अब जब इसको आप स्किन पर लगाएंगे तो क्या दिखेगा? येलो तो स्किन पे टच हो गया, बाहर व्हाइट दिख रहा है। तो आप कंफ्यूज ना करिए कि येलो स्किन पर लग गया है, जो दिख रहा है वही माना जाएगा, ठीक है? इसको बस याद रखिएगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होती है, इसमें एक साइड में व्हाइट है, एक साइड में येलो, ठीक? अगर आपने व्हाइट वाला पोर्शन टेप में चिपका दिया है तो येलो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब आप स्किन पर अपने उंगली पर लगा लेंगे या हाथ पर कहीं भी लगाएंगे तो जो वो दिखेगा वो व्हाइट दिखेगा। तो जो दिख रहा है वही हम कहेंगे कि हमने ये लगाया है, समझ गए ना? मेथी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, मेथी माना मेथी ही है, तो आप सीधे डायरेक्ट ही उस पर मेथी अप्लाई कर देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि हमें कैसे क्या लगाना चाहिए। इससे संबंधित कोई आपके मन में अगर अभी के अभी क्वेरी हो तो वो भले पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं पॉइंट लोकेशन पर। कोई क्वेश्चन है कि कितने टाइम लगाना है? 12 से 14 घंटे लगाना है। कि साथ में लगाना है? डिपेंड करता है आपकी डिजीज के ऊपर। बाएं पैर में दर्द है या बाएं पैर में चोट लगी है लोकल कोई, तो बाएं पैर में लगा दिया। कभी कभी किसी केस में, हाँ ये बताना जरूरी है, कुछ पैर जो है ना वो आपका पैर पैर नहीं है, वो कमर का एक्सटेंशन है। जैसे ये दोनों हमारे हाथ है, ये हमारे गर्दन के एक्सटेंशन है, ये नेक से निकले हुए हैं हमारे। तो अगर नेक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके आर्म्स में भी आती है, और अगर कमर में होती है तो पैरों में भी जाती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान से सुनिएगा ये बात, घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन ये घुटने का दर्द घुटने का नहीं हो करके कमर की वजह से हो सकता है, क्योंकि L4 L5 का जो कनेक्शन है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि नी का असली रीजन क्या है। हो सकता है घुटने के पीछे जो पॉपलीटियल मसल्स हैं वहां पर कोई दिक्कत आ रही हो, हो सकता है जो थाई के पीछे के हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वहां कोई वीकनेस हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कमर के, L4 L5 भी उसमें से एक है। कभी कभी पैरों के पीछे वेरिकोज वेंस होती है, उसकी वजह से घुटने में दर्द होता है, और हम घुटने दर्द के पॉइंट लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं और आराम होने का नाम नहीं ले रहे। तो हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुनने पे मत जाइए, देखिए अपनी आंखों से। मैं जैसे ऑनलाइन में हूँ, पेशेंट को देखती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सामने से देखूं। अगर मैं नहीं देख सकती तो उसकी फोटो मंगाती हूँ, उसकी वीडियो मंगाती हूँ। जब तक मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होती मैं पॉइंट नहीं देती। लेकिन आप लोग अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि तुरंत फटाफट यूज करना शुरू कर देते हैं, मुझे सलाह दे देते हैं कि ये पॉइंट काम नहीं कर रहा तो ये पॉइंट लगा लें क्या। और फिर मैं उससे कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं, आपने जो लगाया हुआ है उसी की हमें फोटो भेज दीजिए तो मैं देख ली। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट लोकेशन में ही होता है। आज की आपको सच्ची घटना बता रही हूँ कि हमारी एक स्टूडेंट है काफी पुरानी,
उन्होंने कंप्लेन करी कि इतने दिन से ये वाले पॉइंट लगा रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है मैडम, इसके अलावा कुछ दूसरा दे दीजिए, कुछ दूसरा, इसको तो हमने 6 महीने लगाया। मेरा थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ कि 6 महीने पॉइंट लगा रहे तो आराम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा पॉइंट लोकेशन भेजिए, तो उन्होंने स्माइल किया कि हम पॉइंट भेजे, हमने कहा आप पॉइंट भेजिए, बोला अरे मतलब तो बहुत सालों से लगा रहे। मैंने कहा हमने आपसे परिचय पूछा ही नहीं, मैं अपना काम अपने हिसाब से करती हूँ। अच्छा, किसी को ऊंचा नीचा गिराने के लिए थोड़ी करती हूँ कि अगर आप पॉइंट आपके गलत हो गए तो हमें बड़ा मजा आएगा कि वाह आपके पॉइंट गलत, बल्कि तकलीफ होती है कि ये क्या हो गया। तो मैंने उनसे मंगाया, तो उन्होंने रात को लगाए भेजे, उन्होंने नहीं अभी के अभी चाहिए, पेन से मार्किंग करके, पेन से मार्किंग करके भेजा। मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि एक या दो पॉइंट शायद गलती से सही हो गई हो, बाकी एक पॉइंट भी वो सही नहीं थे। अब बताइए आप 6 महीने नहीं, आप 20 साल लगाइए, रहेंगे तो वहीं के वहीं, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए। अच्छा, ऐसे लोग आपकी वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो हम है ना, तो हमको तो आता ही है, हम तो इतने सेमेस्टर कर डाले। अफसोस है इस बात का है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच स्वीकार करने में भी कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। यारे हम तो इतने साल से, ठीक है इतने सालों से गलतियां कर रहे हैं, अब मत करिए, छोड़ दीजिए। तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अब आप कहेंगे आप क्या सर्वज्ञानी है? नहीं हूं मैं रिजल्ट बेस्ड काम करती हूँ। अगर जो मैंने अपने गुरु से सीखा है उस पर हमें रिजल्ट मिला था, इसीलिए मैं उनको भी मानती हूँ, इसीलिए उनको गुरु मानती हूँ। अगर वहां भी हमें रिजल्ट नहीं मिला होता, लोकेशन पे रिस्पॉन्स नहीं आया होता, तो मैं उनको कतई गुरु नहीं मानती। क्योंकि गुरु का मतलब ये नहीं, गुरु और टीचर में फर्क होता है। हर व्यक्ति आपका गुरु नहीं बन सकता, टीचर तो बहुत से बन सकते हैं। तो मैंने टीचर भी उन्हीं को माना और गुरु भी उन्हीं को माना, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखे और अब आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही सत्य है, सत्य आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो रिजल्ट बेस्ड जानती हूँ और उसके साइंटिफिक चीजें मैं ढूंढती रहती हूँ। अब कोई भी चीज, एक पॉइंट भी मैं जो भी बताती हूँ, जब तक उसको अच्छे से परखा न गया हो, जाना न गया हो, तब तक मैं अप्लाई नहीं करती। और आपने ये भी देखा होगा यूट्यूब पे कॉन्स्टिपेशन टॉपिक है जो बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि प्लीज उस पे बनाओ ना, उस पे बनाओ ना। इतनी चीजों पे मैंने वीडियो बनाई, कॉन्स्टिपेशन पे नहीं बनाई, एक बनाई है बस, ऐसे काम चलाओ, वो भी मन से नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो सिम्टम है। जो कहता है कि इस ऑर्गन से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता, लीवर से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके लंग्स से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके किडनी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके स्टमक से हो सकता है, आपका वाटर इनटेक कम है उससे हो सकता है, आपके लोकल एरिया आपका LI प्रॉब्लम में है उससे हो सकता है, SI में प्रॉब्लम उससे हो सकता है, मैं कौन से पॉइंट बताऊँ आप? तो जहां मैं फेल हो जाती हूँ कि बिना पेशेंट देखे नहीं कर सकती, वहां मैं मौन होती हूँ। और बाकी बताने को हो तो मैं तो बुक्स की कमी तो है नहीं मेरे पास, बुक उठा लूं, पेज पलट लूं कि हाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन में प्रयोग करें, तो वीडियो बनाऊं कि ये पॉइंट कॉन्स्टिपेशन में आप यूज कर लीजिए और आपको ना लाभ हो, तो क्या फायदा इस चीज का बनाने का? तो यहाँ किसी, अब एक नाता जुड़ जाता है फैमिली का, फैमिली के साथ आप ब्लफ थोड़ी कर सकते हैं कि बना ही दो कुछ नहीं, व्यूज तो आ ही जाएंगे ना, कुछ तो हमारा फायदा हो ही जाएगा। ऐसे फायदे से ना फायदा ज्यादा बढ़िया होता है कि हम किसी को बेवकूफ बनाए, ठीक ना? तो ये बात ध्यान रखिए कि पॉइंट लोकेशन पे सबसे ज्यादा काम करिए। और आपको एक अफसोस वाली बात और भी बताऊंगी कि आज ये वाली हमारी जो क्लास है वो शायद आखिरी हो जाए, अभी फिलहाल नवरात्र के बाद फिर हमें शायद शुरू करना पड़े, क्योंकि फिर मेरे पास काम आ गया। मैं इसी से बड़ी दुखी हो जाती हूँ, परेशान कि अब मैं क्या करूँ। बड़ा मन था कि वो प्रैक्टिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन ले लेती, लेकिन फिर 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और जैसे ही हमारी थोड़ी व्यस्तता ठीक हो जाएगी, मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगी कि मैं कल से फिर लूंगी। तो आप लोग थोड़ा सा सफर तो कर ही रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अपने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए, ये बातें हो गई हमारी, सूचना भी हो ही गई,
ग्रुप में वैसे मैं डाल ही दूंगी, क्योंकि अभी जस्ट 1 मिनट बाकी था मेरे पास, ऐसी कॉल आती मेरे पास, 1 मिनट बाकी था, 5:29 हुआ था और मेरे पास मैसेज आ गया। अब लेना तो था ही, तो आज वाला तो लूंगी ही, लेकिन उसके बाद फिर नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो ये बात होगी। अब आते हैं सीधे सीधे अपने उस वाले पॉइंट पे जिस पर चर्चा हम लोगों की हो रही थी, टेक्निकल चीजों की। कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल वाले तो बना के रखिएगा, फटाफट पूछ लीजिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, प्रैक्टिकल फिर रह जाएगा। ये मैं कर देती हूँ, दिख रहा है ना मनीषा जी? यस मैम, दिख रहा है। कई कई तो नहीं दिख रहे ना? तो टोनिफिकेशन कब करते हैं पॉइंट को, कब सिडेशन करते हैं, कब, ये हमारे वर्कशॉप का विषय था जो हमने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। मैग्नेट का टोन सिडेट ये कैसे क्या करते हैं ये ऑलरेडी बताया था, फिर भी हमने रिवाइज करा दिया कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां से सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फिंगर की लोकेशन देख ली है, फ्रंट की, बैक की, फिर हमने पाम में देख लिया, दो क्राइटेरिया अलग अलग, हमने पाम का सामने वाला हिस्सा और थंब साइड का, दोनों के पॉइंट लोकेशन के लिए क्या लैंडमार्क्स होते हैं वो भी हमने कर दिया। इसकी सीरीज ही पूरी बना दी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज पार्ट 4 हो गई। तो पुराने वाले आप लोग जरूर उसको देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बस आज वाला देख लिया कि बस इतना ही है, पूरा देख लीजिए। और अब आज हम बैक वाले पर बात करेंगे, बैक वाले में भी दो पार्ट में बात करेंगे, एक थंब के पीछे वाले पॉइंट पे बात करेंगे और एक बात करेंगे हथेली के पीछे वाले पॉइंट पर, क्योंकि आपकी कुहनी अगर सीधी करें ना तो जो इसके पीछे का हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ से बंटवारा हम कर लेते हैं डायफ्राम के पास से, थोरेसिक 7-8 के पास से, हम आपकी ऊपर के हिस्से को चेस्ट कहते हैं और नीचे को एब्डोमेन कहते हैं, तो उसी के ठीक पीछे भी हम ऐसा ही डिवाइड करते हैं ताकि पॉइंट को हम सटीक ढंग से लगा सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम सीधे अपने उसी पिक्चर की तरफ जिसमें हमारा हैंड अच्छे से क्लियर हो, लेकिन उसके पहले ये बता देना जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये पिक्चर पहले मैं दिखा दूं, कि बैक में बीच में गवर्निंग वेसल है और साइड साइड में इसके यूबी के चैनल्स होते हैं। पहला चैनल 4 अंगुल की दूरी पर आपको मिलता है, फिर उसके बाद आपको 1 अंगुल की दूरी पर मिलेगा, फिर 4 अंगुल की दूरी पर मिलेगा अलग अलग, वो लिम्फैटिक चैनल्स भी होते हैं। तो इनकी डिस्टेंस को अच्छे से पहले देख लीजिए बुक में या आपके जो पीडीएफ में मिला था, इसको देख लेने के बाद तब हम अगर हाथ में पॉइंट लगाएंगे तो सही सही लगा पाएंगे। तो अब हम सीधे आ जाते हैं हाथ वाली फोटो पर कि कैसे इसको आखिर अप्लाई किया जाए। तो ये हो गया हमारा हैंड, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, ढेर सारे हाथ हैं। अरे भाई, हम तो ये खोलते हैं, ये ढेर सारा कहाँ से आ जाता है, आ ही कहाँ से जाता है जब मैं खोलती एक हूँ तो। अब एक है? यस मैम। चलो बढ़िया। तो मैं बोल रही थी कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप दो हिस्से में पॉइंट का लोकेशन देखा करें, लैंडमार्क होते हैं कुछ, उस लैंडमार्क के हिसाब से देखेंगे तो पॉइंट कभी गलत नहीं होंगे। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, पहले अंगूठे के ऊपर पीछे वाला जो भाग है वहां से लोकेशन, तो ये रहा हमारा थंब का सेकंड ज्वाइंट, ये फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट के आसपास के पॉइंट कैसे लगाने हैं वो आप लोग लगा भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके और सही भी था। तो एक ये हो गया और दूसरा लैंडमार्क हम इसके लिए ये वाला लेंगे,
ये है अंगूठे का लास्ट। ठीक, अब यहां से हम डिवीजन करेंगे इसका। ये हो गया हमारा गवर्टिंग वेसल की लाइन, बिल्कुल सीधे जानी है यहाँ पर। ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट, ब्लैक से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ से और ये हो गया इसकी नेक्स्ट लाइन, तो इसी हिसाब से आप बंटवारा करेंगे। ठीक, अगर आपको यहाँ जीवी का 14 मिल रहा है, और कैसे लोकेट करेंगे, हाफ बिंड करके। अगर सीधा खोल के करेंगे तो पॉइंट में थोड़ी सी आपको असुविधा आ सकती है, तो अच्छा क्या होगा कि हम हाफ बिंड करके लोकेट करें। ये है गवर्निंग वेसल 14। ठीक, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 9 नंबर। अब 9 नंबर यहाँ भी है और 9 नंबर यहाँ भी है, तो इस 9 नंबर को हथेली वाले में ज्यादा यूज करते हैं। बाकी हम मानेंगे, इमेजिन यही करेंगे कि जीवी 9 ये हो गया, फिर ये आपका हो गया 10, फिर 11, फिर एक लाइन छोड़ करके 12, फिर एक जगह छोड़ करके 13। मतलब बराबर इक्वली डिस्टेंस पर नहीं है, अगर इक्वल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप इसको यहाँ गौर से देखिए, हम लोग ये गलती खूब ज्यादा करते हैं, भयंकर करते हैं। और फिर कहते हैं, जैसे आज ही हमने बताया कि कह दिया कि 6 महीने से लगा रहे हैं, कोई आराम नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, नहीं आराम हो रहा है तो दिखाओ हमें कहाँ कमी है। तो ये हो गया, ये 14 हो गया आपका सबसे ऊपर जहाँ ग्रीन डॉट है, फिर ये हो गया 13। 13 के बाद देखिए एक जगह हमने छोड़ दी है, यहाँ पर 12 है। गिनती गिनने में ऊपर से नीचे आ गए तो गड़बड़ कर देंगे आप। फिर एक लाइन छोड़ दी हमने, बराबर ही छोड़ी है, फिर यहाँ पे आ गए, ये हो गया आपका 12। फिर जगह नहीं छोड़ी हमने, ये 10 कर दिया। इन बातों का ध्यान रखिए, बराबर बराबर बांट के सही सही डिस्टेंस पर पॉइंट लगा तो कई कई दिन नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आते हैं। हमारे ऑनलाइन वाले साथी देख रहे होंगे और चमत्कृत होते हैं कि कैंसर जैसे घाव 3-3 दिनों में भयंकर रिस्पॉन्स दे जाते हैं, घाव सूखने लगते हैं, पेशेंट कोमा से बाहर निकल आता है। लेकिन वहीं अगर गलत लग गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्यूप्रेशर इतनी पावरफुल है जिसका इंतहा नहीं। आज देखा था, क्या देखा, वो जो कैंसर था, वो ट्यूमर था, घाव जो था, हाँ, बहुत जल्दी वो सूख रहा है वो। जी, तो इस तरीके के केसेस आते हैं और रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन शर्त इतनी ही है कि पॉइंट सही, डायग्नोसिस सही, एप्लीकेशन अगर गड़बड़ हो गया। आप लाख बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनते हो, बहुत सुंदर डायग्नोसिस कर दी, पॉइंट ही नहीं लग रहा, फेल हो जाएंगे आप, बैठे रहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही यूबी का हमें देखना है, तो पहले मैं इसको इरेज करूंगी तब उस पे आऊंगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब यहां मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ, ये है आपका 11 नंबर। ये हमारा क्या हो रहा है, ये हुआ हमारा 11 नंबर, ठीक ना, और ये हुआ हमारा 17 नंबर। 17 भी आपको यहाँ वहां दो जगह मिलेगा, जैसे आपको ये वाला पॉइंट मिला था। अब 17 है ब्लड का, अब 17 हमको हथेली के पास इसके रेस्पॉन्सेज ज्यादा मिले, मतलब आदरणीय प्रियंका सर हमेशा 17 को यहाँ प्रेफर करते थे कि 17 यहाँ लगाओ, GV9 यहाँ लगाओ। जब पूछा कि है तो दोनों ही जगह, कहीं भी लगाएं, तो बोला कि रिस्पांस इसके ज्यादा आते हैं। उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ब्रह्म वाक्य कह दिया सो कह दिया। तो ये पहला पॉइंट 11 हो गया, लास्ट वाला 17 हो गया। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस आप कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कर रहे हैं। तो ये रहा आपका
11 मैंने बना ही दिया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा आप देखिएगा डॉट वाइज में आती हूं मैं पीछे वाले भाग में, ये हुआ जीवी वन, इसको कैसे खोजना है वर्कशॉप में डिटेल में बताया था कि फिंगर को बेंड कर लीजिए तभी आपको एनस का पॉइंट मिल पाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसका आप हाफ कर लीजिए और अब उतनी ऊपर और नीचे डिवाइड करना शुरू कर लीजिए। ठीक, ये बीच का कौन सा पॉइंट है जहां पे मार्क हुआ है, ये 2, 3, 4 इस तरीके से देख तो रहे हैं लेकिन उसमें आप देखेंगे तो बीच बीच में गैप है, तो हम यहाँ GV5 मेजर कर लेंगे। एक तरीका ये होता है कि GV5 से हम चलें, तो ये GV5 हाफ करके कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है गवर्निंग वेसल 14 को ये एकदम सीध में अगर आप आएंगे तो ये गवर्निंग वेसल 4 है, ये मैंने आदरणीय सर से सीखा है। ठीक, कि ये आप ऐसे करोगी तो हो जाएगा, तो ये आपका हो गया गवर्निंग वेसल 4 जो गवर्निंग वेसल 14 की एकदम सीधी रेखा में आता है, एकदम अंगूठा ऐसा रखेंगे सामने तो एकदम देखेंगे तो उसी सामने आता है। अभी इसमें गड्ढा है क्या है वो लोग ढूंढते हैं, वो मैंने कभी नहीं ढूंढा। अब इसके बाद फिर आप लाइन खींचना शुरू करिए, देखिए डिवीजन, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी, नहीं अब ये डिवाइड कर लेते हैं हम, ये देखिए इक्वली डिस्टेंस पर ये 2, 3, 4 और 5 इसको बराबर बांट लीजिए, फिर देखिए कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो 1 ये हो गया, फिर 2, फिर 3 छोड़ करके एक पॉइंट, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और फिर ये 5, तो बीच में देखिए गैप है, ये रहा, इसको हटा के दिखाती हूँ मैं आपको, तो इसकी इक्वल डिस्टेंस देख लीजिए 1 के बाद 2 तो पास में है लेकिन 3 कहाँ है, दूर पर है, फिर एक छोड़ करके 4 है। अब फिर जब इसमें आएंगे तब बराबर डिस्टेंस है, तो ये 4 हो गया, एक बीच में छूटेगा केवल 5 के बाद में, और फिर इस तरीके से आप बांटते हुए चले आएंगे तो बेहद आसान हो जाएगा आपको। एक बार अगर आपने जीवी के पॉइंट अच्छे से खोज लिए तो उसके बाद आपको यूवी वाले पॉइंट लगाने में कोई असुविधा होगी ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आगे सीवी वाले का लैंडमार्क लिया था वैसे यहाँ भी लेना है। तो देखिए ये पॉइंट ये बिल्कुल बीच में है ना, तो यहाँ मत लगा दीजिएगा यूवी के पॉइंट, गलत हो जाएगा। आपको कहाँ लगाना है, किनारे लगाना है, नहीं ये तो यहाँ के बंद हो जाएगी, यहाँ से लगाना है, नहीं यहाँ भी मत लगाइए। आपको यूवी के पॉइंट कहाँ लगाने हैं, फिंगर के हाफ से ऐसे लेना होता है, दूसरी लाइन भी हाफ के हाफ से ऐसे लेनी होती है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना होता। और दूसरा ध्यान रखना होता है कि गवर्निंग वेसल 4 के पास में है कि 3 के पास में है कि 5 के पास है कि 2 के पास है, कहाँ है, इतना ही ध्यान रखना है और बेहद आसान तरीके से आप पॉइंट लोकेट कर पाते हैं। एक पॉइंट गवर्निंग गॉल ब्लैडर 21 है, ये बड़ा परेशान करता है, खूब लोगों को तकलीफ देता है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए ये करिए कि हम स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें और साथ में आपको हाथ में दिखाएं, नहीं तो ये बड़ा परेशान करता है। गवर्निंग वेसल वॉल ब्लैडर 21 कहाँ है, ये है आपके कंधे, है ना, कंधे से इधर आएंगे, ये स्लोप मिलता है आपको, स्लोप ऊपर से ये दबाव सा आया और यहाँ आगे फिर स्ट्रेट हो गया, इसके हाफ में आइए थोड़ा पीछे, अभी आप अपने हाथ लगाइए तो चीख निकलेगी आपके, अभी से मैं डायग्नोस कर रही हूँ क्योंकि जितने हैं सब हमारे पेशेंट ही तो हैं, है ना, तो आप यहाँ जरा सा उंगली लगाइए और दबाइए, देखिए चीख निकल जाएगी, यही गॉल ब्लैडर 21 है, क्यों, बॉडी का अलाइनमेंट का पॉइंट है ये। अगर बॉडी का आपका अलाइनमेंट सेट नहीं है, तिरछे मिर्छे है या बॉडी में टॉक्सिन्स है तो ये पेन
करता मिलेगा, और टॉक्सिस ना हो आज के टाइम में हो ही नहीं सकता, तो यहाँ आपको दर्द मिलेगा। दूसरा, अलाइनमेंट सही ना हो तो भी होता है, तो उसमें भी मिल जाता है। तो अब हाथ में कैसे पॉइंट लोकेट करें? दो तरीके हैं, या तो हम इधर से ढूंढें और या तो यहाँ से ढूंढें। आना एक ही रास्ते पर है। अब यहाँ से चलेंगे तो लंबा रास्ता तय करना है, यहाँ से आएंगे तो छोटा। तो GB21 को यहाँ से तो लोकेट करें ही ना, इधर से करें गर्दन के पास, तो स्लोप से उतरिए। उतरने के बाद बस थोड़ी दूर पर पीछे की ओर, पीछे से दिखता है आगे से नहीं दिखता GB21। तो जब आप हाथ को ऐसे करें तो आपको पॉइंट थोड़ा सा दिखना चाहिए, और जो गवर्निंग वेसल के पास में ही है, तो ये हमारा गवर्निंग वेसल, ये मैं निशान लगा रही हूँ, आपको दिख जाएगा बाद में। सटा के ऐसे लगाइएगा, अंगूठा देख लीजिए मेरा कैसा है ये, ठीक ना। अब डॉट बना देती हूँ, अब हाथ आप खोल लीजिए, देखिए GB21 यहाँ पर है। अगर आप यू बंद करेंगे थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए, यही 21 है। यहाँ भी आप दबा के देख लीजिए, यहाँ भी आपको दर्द मिल जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, और है बड़े मिराकुलस पॉइंट कि अगर सही पॉइंट लग गए तो कमाल ही कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए। पोस्चर का बड़ा ध्यान, सीधा कर दिया देखिए गायब हो गया, नहीं दिख रहा। ढीला छोड़ दिया, आराम से यू टच किया, क्योंकि हम टाइट करके थोड़ी ढूंढते हैं, रिलैक्स होकर ढूंढते हैं। देखिए इसी मंत्र आपको हमने दिखा दिया, टाइट कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो है ही नहीं पॉइंट, और जादू दिखा देते हैं, ये देखिए है ना। यही ब्यूटी है इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की, कि अगर सही आप पकड़ गए तो फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में। कोई भी बीमारी हो आप कह सकते हैं हाँ यस आई कैन डू इट। एवरीथिंग तो कुछ होता ही नहीं है, और ना तो आप चैलेंज कभी करें, नहीं तो जिस दिन चैलेंज पे आएंगे ऊपर वाला कहेगा अच्छा तुम बुखार ठीक करके दिखाओ अगर कर सकती हो, नहीं कर पाएंगे आप। तो बस इतना ही ध्यान रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ऊपर वाले की बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें बड़ी मेहनत, बड़ी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम के साथ, प्रैक्टिकल के साथ में ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इसको आप ना टाइम पास मत बनाइए, इसको आप बनाइए कि बस यही सब कुछ है, पैशन है। लेकिन पैशन आपका कब टूटता है? जब आपको निराशा हाथ लगती है। तो निराशा हाथ क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इधर उधर का होता है, हम समझ नहीं पाते। ये आप जो देख रही है ना, ये आपको वीडियो में अवेलेबल तो मिलेगा ही, बार बार उसको पॉज करके देख लीजिएगा, सामने दिख रहा है आपके, ठीक है। कोई थ्योरी थोड़ी है कि क्लास में है और एक बार बता दिया दोबारा नहीं मिलेगी। वीडियो को कई कई बार रोक रोक के देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी बीमारी, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन बना रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। काम चलाओ अपने भर का सीख रहे हैं तो ये टेक्निक हमने बता दी, वो आपके काम में आएगी, इतना ही कहना चाहूंगी। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मेरा समय हो गया है। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होंगी फिर थ्योरी के लिए आप लोगों को बता दूंगी, एक दो दिन मुझे लगता है लगेगा, क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई सवाल जवाब है? नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा फीट का पोजीशन क्या होना चाहिए? अरे प्रीति जी, आप पहले हाथ की ही प्रैक्टिस कर लीजिए, पैर का छोड़ दीजिए, पैर का फिर किसी वर्कशॉप में देखा जाएगा, हाथ की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी, धन्यवाद।